मैं एक घरेलू सहायक के रूप में काम करती थी। एक दिन जब मैं रसोई में काम कर रही थी तो अचानक पीछे से आदित्य, जो घर के मालिक का बेटा था, आ गया। उसने मुझे पकड़कर मेरी गर्दन पर किस करना शुरू कर दिया। उस दिन घर में न तो विक्रम साहब थे और न ही नीलम मैडम। मैं घर में अकेली थी और आदित्य ने बिना किसी झिझक के मेरे पूरे शरीर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और कुछ क्षणों के लिए मैं समझ ही नहीं पाई कि क्या करूं। आदित्य लगातार मुझ पर अपना दबाव बना रहा था और उसके इरादे साफ थे। मेरी हालत और खराब होती जा रही थी। डर के मारे मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। अचानक मुझे होश आया और मैंने हिम्मत जुटाकर उसे पीछे धकेला और तेजी से किचन से बाहर निकल गई। मैं भागते हुए अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब आगे क्या करना है। उस दिन के बाद से मैंने फैसला कर लिया कि मुझे इस घर में और नहीं रहना चाहिए। उस दिन के बाद मैंने कई बार कोशिश की कि किसी को इस बारे में बता सकूं, लेकिन डर और शर्मिंदगी के कारण मैं चुप रही। हर बार जब आदित्य घर पर होता, मैं खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त रखने की कोशिश करती ताकि उससे दूर रह सकूं। लेकिन मेरा मन लगातार डर और बेचैनी से भरा रहता था। कुछ हफ्तों बाद मैंने साहस जुटाया और अपनी करीबी सहेली सविता से इस बारे में बात की। उसने मुझे सलाह दी कि मुझे ये सब सहने की जरूरत नहीं है और मुझे तुरंत नौकरी छोड़ देनी चाहिए। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। अगले दिन मैंने नीलम मैडम को अपनी नौकरी छोड़ने की बात बताई। उन्होंने कई सवाल पूछे, लेकिन मैं असल वजह नहीं बता पाई। मैंने एक बहाना बनाया कि मुझे अपने गांव वापस जाना है। उसके बाद मैं उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। हालांकि मेरे अंदर का डर और वो भयानक यादें मुझे कभी कभी परेशान करती हैं, लेकिन उस माहौल से निकलकर मुझे राहत मिली। घर छोड़ने के बाद मैं अपने गांव वापस आ गई। गांव का शांत वातावरण और अपने परिवार के बीच रहना मुझे थोड़ी राहत जरूर देता था, लेकिन मन के किसी कोने में वो बुरा अनुभव बार बार दस्तक देता था। कई रातें ऐसी होती थी जब मुझे नींद नहीं आती थी। उस दिन की घटनाएं मेरे सामने घूमने लगती थी। मेरी सहेली सविता ने मुझे सुझाव दिया कि मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊं और आदित्य के गलत कामों का पर्दाफाश करूं, लेकिन मैं झिझक रही थी। डर था कि कोई मेरी बात मानेगा भी या नहीं, और अगर मानेगा भी तो क्या मैं उस लड़ाई को लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार थी। फिर एक दिन मैंने अपने भीतर की हिम्मत को इकट्ठा किया और फैसला किया कि अब मुझे चुप नहीं रहना चाहिए। मैंने स्थानीय महिला संगठन की मदद ली और उनकी सलाह पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शुरुआत में मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आदित्य के परिवार ने मुझ पर दबाव डालने की कोशिश की और मुझे धमकाया, लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं पीछे नहीं हटूंगी। सविता और महिला संगठन की मदद से मैं इस लड़ाई में डटी रही। धीरे धीरे मामला आगे बढ़ने लगा और आखिरकार आदित्य को उसके किए की सजा मिली। मुझे इंसाफ मिला और उस दिन के बाद मैंने खुद से वादा किया कि चाहे जो हो, मैं अब कभी अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहूंगी। इस अनुभव ने मुझे अंदर से मजबूत बना दिया। अब मैं खुद को पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर और निडर महसूस करती हूँ और दूसरों को भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। आदित्य को सजा मिलने के बाद मेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए खड़ा होना जरूरी है जो इस तरह के शोषण का शिकार होती हैं, लेकिन डर या समाज के डर से चुप रहती हैं। मैंने ठान लिया कि अब मैं सिर्फ अपने जीवन को नहीं सुधारूंगी, बल्कि दूसरों की मदद करने का भी प्रयास करूंगी। कुछ समय बाद सविता और मैंने मिलकर गांव में एक महिला सहायता समूह की स्थापना की। इस समूह का मकसद था महिलाओं को जागरूक करना, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताना और किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। धीरे धीरे हमारा संगठन बढ़ने लगा और हमने कई महिलाओं को न्याय दिलाने में मदद की।
महिलाएं अब खुद को अकेला महसूस नहीं करती थी और जानती थी कि कोई उनकी बात सुनेगा और उन्हें सपोर्ट करेगा। इस बीच मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया। मैंने भी पढ़ाई फिर से शुरू की और सामाजिक कार्यों में अपना योगदान बढ़ाया। अब मैं न सिर्फ एक सशक्त महिला थी बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन गई थी। मुझे ये समझ आ गया था कि कभी कभी बुरे अनुभव हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आते हैं। आज मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ और जानती हूँ कि मैंने अपने और दूसरों के लिए सही रास्ता चुना है। समय बीतता गया और मेरे द्वारा स्थापित महिला सहायता समूह ने कई गांवों में अपनी पहचान बना ली। अब यह सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं था बल्कि आसपास के गांवों से भी महिलाएं मदद मांगने आने लगी। मैंने और सविता ने मिलकर एक जागरूकता अभियान शुरू किया जिसमें हम महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में जानकारी देते थे। हमने वर्कशॉप्स का आयोजन शुरू किया जहां वकीलों, डॉक्टरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता था ताकि महिलाएं अपने अधिकारों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें। इस काम में हमें सरकार और कई गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग मिला। मेरी जिंदगी का उद्देश्य अब पूरी तरह से बदल चुका था। जहां एक समय मैं खुद शोषण का शिकार थी, अब मैं अन्य महिलाओं को सशक्त बना रही थी। मुझे गर्व होता था जब मैं उन महिलाओं को देखती जिन्हें हमने न्याय दिलाया था, वे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन चुकी थी। एक दिन एक बड़ी सामाजिक संस्था ने मेरे काम को पहचानते हुए मुझे नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। वह दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन था। उस मंच पर खड़े होकर मैंने अपने सफर को याद किया, कैसे मैं डर और अपमान के अंधेरे से निकलकर इस मुकाम तक पहुंची। मुझे यह समझ में आ गया कि जब एक महिला ठान ले कि उसे अपने और दूसरों के लिए खड़ा होना है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। आज मैं न केवल खुद को बल्कि हर उस महिला को देख रही हूँ जो लड़ाई लड़ रही है, और उन्हें देखकर मुझे महसूस होता है कि मैंने अपने जीवन का सबसे सही निर्णय लिया। अब मेरे सामने एक ही सपना है, हर महिला को उसके अधिकार और सम्मान दिलाने में मदद करना। और यह सफर कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक एक भी महिला शोषित है तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। समय के साथ हमारा महिला सहायता समूह एक बड़े आंदोलन का रूप लेने लगा। हमने कई और गांवों में शाखाएं खोली और हर जगह महिलाओं को संगठित किया। अब हमारा समूह सिर्फ शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ नहीं था बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भी काम करने लगा। हमने कई महिलाओं को सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर और छोटे व्यवसायों की ट्रेनिंग दी जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। धीरे धीरे हमारी पहल ने कई परिवारों की आर्थिक स्थिति को बेहतर किया। महिलाएं जो पहले घर की चारदीवारी तक सीमित थी, अब अपना खुद का व्यवसाय चला रही थी। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई बल्कि उन्हें अपने जीवन के फैसले खुद लेने का साहस भी मिला। एक दिन जब मैं एक बड़े शहर में एक महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में हिस्सा लेने गई तो मुझे वहां कई प्रभावशाली लोगों से मिलने का मौका मिला। उन्होंने मेरे काम की सराहना की और मेरे प्रयासों को और विस्तार देने के लिए सहायता की पेशकश की। उस दिन मुझे समझ आया कि हम चाहे कितने ही छोटे गांव से क्यों न हों, अगर हमारी सोच और उद्देश्य बड़े हैं तो हम कहीं भी पहुँच सकते हैं। अब हमारा संगठन न केवल गांवों में बल्कि शहरों में भी सक्रिय था। हमने कई बड़े सामाजिक सुधार अभियानों में हिस्सा लिया और सरकार के साथ मिलकर महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर काम किया। मेरे जीवन में अब एक और नया अध्याय शुरू हो चुका था। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं इस स्तर तक पहुंच पाऊंगी, लेकिन यह सब संभव हुआ क्योंकि मैंने अपने डर को हराकर अन्याय के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया था। अब मेरा सपना और बड़ा हो गया था। मैं चाहती थी कि हर गांव, हर शहर में महिलाएं एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़े और समाज में बराबरी की जगह हासिल करें। मैंने इस बात को गहराई से महसूस किया कि जब एक महिला सशक्त होती है तो पूरा समाज सशक्त होता है।
यह यात्रा अब सिर्फ मेरी नहीं थी, यह उन हजारों महिलाओं की यात्रा थी जिन्होंने अपने डर, अपमान और शोषण से उभरकर अपनी पहचान बनाई थी। और मैं जानती थी कि यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी जब तक हर महिला को उसका सम्मान और हक नहीं मिल जाता। हमारी कहानियां समाज में बदलाव की अलख जगा चुकी थी और मैं जानती थी कि यह क्रांति अभी लंबी चलेगी क्योंकि एक नई शुरुआत हो चुकी थी। जैसे जैसे हमारा आंदोलन और बड़ा होता गया, हमें न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिलने लगी। कई बड़े मीडिया हाउस हमारे संगठन की खबरें प्रकाशित करने लगे और हमारी सफलता की कहानियां लोगों तक पहुंचने लगी। हमने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की, जिनमें स्वरोजगार के लिए सूक्ष्म वित्त, माइक्रो फाइनेंस और सहकारी संगठनों का गठन शामिल था। अब महिलाएं न केवल अपने घरों में बदलाव ला रही थी बल्कि पूरे समुदाय की दिशा बदल रही थी। कई जगहों पर हमने देखा कि पुरुष भी इस बदलाव में शामिल हो रहे थे, जो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। हमने पुरुषों और युवाओं के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए ताकि वे महिलाओं के सशक्तिकरण में सहयोग कर सके और लैंगिक समानता को समझें। एक दिन मुझे सरकार की ओर से एक बड़ी परियोजना का नेतृत्व करने का प्रस्ताव मिला। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना और शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना था। यह मेरे लिए बहुत बड़ा मौका था और मैंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। मैंने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर इस परियोजना पर काम शुरू किया। इस परियोजना के अंतर्गत हमने कई महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर दिए। हमने स्कूलों में लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया और उन्हें करियर विकल्पों के बारे में जागरूक किया। इसके साथ ही हमने सरकार के साथ मिलकर महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल बनाने की दिशा में भी कदम उठाए। कुछ सालों बाद जब मैं एक अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में भाग लेने गई, तो वहां मैंने दुनिया भर की महिलाओं से उनकी चुनौतियों और सफलताओं के बारे में सुना। इस सम्मेलन में मुझे यह एहसास हुआ कि महिलाओं की लड़ाई केवल मेरे देश तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक वैश्विक मुद्दा है। मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा और नए विचारों को अपने संगठन में लागू करने का फैसला किया। अब मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने लगी थी। मैंने कई देशों की यात्राएं की, वहां की महिलाओं से मिली और उनके संघर्षों को समझा। यह अनुभव मेरे लिए एक नया मोड़ साबित हुआ। मैंने अपने संगठन को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जोड़कर और भी सशक्त बना लिया। अब हमारा संगठन न केवल एक देश में बल्कि कई देशों में महिलाओं के लिए काम कर रहा था। हम सीमाओं से परे जाकर महिलाओं की आवाज बन चुके थे। यह यात्रा अब एक व्यक्तिगत संघर्ष से शुरू होकर एक वैश्विक क्रांति का हिस्सा बन चुकी थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो गर्व महसूस करती हूँ कि मैंने न केवल अपने लिए बल्कि हजारों लाखों महिलाओं के लिए एक बदलाव की लहर शुरू की। यह सफर अब भी जारी है और जब तक दुनिया भर की सभी महिलाएं पूरी तरह से स्वतंत्र और सशक्त नहीं हो जाती, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। यह यात्रा न कभी खत्म होगी और न ही इसकी जरूरत कम होगी। जब तक समाज में समानता और न्याय की बात अधूरी है, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। समय के साथ मेरा संगठन महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक वैश्विक पहचान बन गया। विभिन्न देशों से महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों ने हमसे साझेदारी की और हमने अपने अनुभव और ज्ञान को दुनिया भर में साझा करना शुरू किया। अब हम न केवल महिलाओं को कानूनी, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त कर रहे थे बल्कि समाज के अन्य वंचित और उपेक्षित वर्गों की मदद के लिए भी आगे बढ़ने लगे। हमने नई योजनाएं शुरू की जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। हमने छात्रवृत्तियां देना शुरू की जिससे वे उच्च शिक्षा हासिल कर सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। साथ ही हमने तकनीकी शिक्षा और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम भी शुरू किए ताकि महिलाएं आधुनिक युग की आवश्यकताओं के साथ तालमेल बिठा सकें। इस दौरान एक महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ कि हमने बच्चों और किशोरों के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए।
हमारा उद्देश्य यह था कि उन्हें कम उम्र से ही लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों की शिक्षा दी जाए ताकि भविष्य की पीढ़ी इन मुद्दों के प्रति अधिक संवेदनशील और जागरूक हो। हमने स्कूलों और कॉलेजों में कार्यशालाएं आयोजित की जहां युवा लड़के लड़कियों को समानता और परस्पर सम्मान का महत्व सिखाया गया। इस बीच सरकारों ने भी हमारी परियोजनाओं से प्रेरित होकर कई नई नीतियां बनाई। महिलाओं के लिए रोजगार में आरक्षण, स्वरोजगार योजनाओं और कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए कठोर कानून लागू किए गए। हमारा संगठन इन नीतियों को लागू करवाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करता रहा। एक दिन मुझे संयुक्त राष्ट्र UN की एक विशेष सभा में भाषण देने का आमंत्रण मिला जहां मुझे अपने संगठन और हमारे काम के बारे में बोलने का मौका मिला। यह मेरे जीवन का एक बहुत ही गर्वपूर्ण क्षण था। मैंने वहां अपने अनुभव साझा किए और विश्व भर की महिलाओं से अपील की कि वे अपनी आवाज बुलंद करें और किसी भी अन्याय के सामने झुकने से इनकार करें। इस वैश्विक मंच पर खड़े होकर मैंने महसूस किया कि हमारी लड़ाई अब केवल एक व्यक्तिगत या स्थानीय मुद्दा नहीं रही, बल्कि यह पूरी मानवता की भलाई के लिए एक आवश्यक संघर्ष था। महिलाओं के अधिकार केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की समग्र प्रगति और शांति के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमने अपने संगठन का दायरा और बढ़ाया। हमने पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं और बाल अधिकारों जैसे मुद्दों पर भी काम करना शुरू किया। हमें यह एहसास हुआ कि सशक्तिकरण केवल आर्थिक या सामाजिक ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय और स्वास्थ्य सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। आज हमारा संगठन दुनिया भर में लाखों महिलाओं और परिवारों की मदद कर रहा है। हम हर दिन नए कदम बढ़ा रहे हैं, नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और नए समाधान खोज रहे हैं। मुझे गर्व है कि हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां महिलाएं सशक्त, स्वतंत्र और सम्मानित हैं। लेकिन मैं जानती हूं कि यह यात्रा अभी भी अधूरी है। अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और हर दिन हमें नए संघर्षों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब मैं निश्चिंत हूं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह सफर उस दिन खत्म होगा जब हर महिला, चाहे वह किसी भी देश, जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति से हो, पूरी तरह से सशक्त होगी और अपने अधिकारों के साथ सम्मान से जीवन जी सकेगी। तब तक मैं और मेरा संगठन इस लड़ाई को जारी रखेंगे। हर कदम पर बदलाव की अलख जलाते हुए, हर दिल में आशा की किरणें जगाते हुए।